नमस्कार सतीश सकाळ एक फ्रेश एपिसोड को आपण समस्तंकु स्वागत करूछि मुनिवेदिता मो सहित अछंती मो सहयोगी नमस्कार मु माधुरी तबे दर्शक बंधु प्रतिदिन सतीश सकाळ रे आमे विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करिथांती आ सेई प्रसंग गुडीक विशेष करी खबर कागज रे बड़ खबर थाए मुख्य प्रसंग थाए एवं चर्चित खबर थाए प्रतिदिन आमे आसीथांती सतीश सकाळ माध्यम रे खबर विषय आलोचना करथांती रिपोर्टर माने आमे सहित जोडी होंती विस्तृत भाबे आलोचना करंती परवर्ती समय रे हेडलाइन्स मध्ये आमे पढिथांती आ यारी मध्ये रे आमे सहित अतिथि मध्ये जोडी होंती आमे सकाळ को आहुरी सतीश करबा पई तबे विस्तृत भाबे आमे आपण को कहि रखबा को चाहिबो जे केउ केउ प्रसंग जे आमे आलोचना को नैछंती जेतु आपण जानिथिबे वर्तमान स्थिति कौन अफगानिस्तान रे जो बोले भाबे अफगानिस्तान को कब्जा करी नै छि तालिबान जो थी पूरा अशांत परिवेश सृष्टि होइ छै रोथ पाई पूरा विश्ववासी आतंकित पूरा भारत कथा जदि कहि पाउ आपण पूरा चित्र देखुथिबे जे केबोले भाबे जो चित्र सामना को आसुछि ट्रेन रे हो एवं विमान रे चित्र जो सामना को आसुछि लोके केबोले भाबे पोक माछ भाई दौड़धपड़ करमती निज जीवन को सुरक्षित बचाई पारे यार मध्यम परवर्त खबर रखिंट पुणी 96 पिला संक्रमित थार्ड लहर कथा जिते बुला अनेक आश आशंकर थार्ड लहर कौटि ना कौटि एंट्री मारा जो कर्णाटक विशेषकर चित्र एमती सामना को आसूँ यार मध्य राज्य में जो भाव संक्रमित चिन्हट होती भाव में 96 पिला जो संक्रमित होती ये निहांती चिंताजनक ये खबर आम आलोचना करवा परवर्त खबर रही दुई दिन में 200 पिला संक्रमित जमी आम कहतलु जे विभिन्न खबर कागज खबर को विभिन्न ढंग से परेषण करते तबे कोरोना मृत्यु 7000 टपिला निहांती भाव में ये चिंताजनक जेहेतु स्थिति वर्तमान स्वाभाविक है थार्ड लहर कथा कहुच्छे यार मध्य संक्रमित संख्या कमुनी मृत्यु संख्या कमुनी तेणु शिशु प्रति अधिक जत्नवान होगापी जहाँ प्रमेय खबर कागज में खबर प्रकाश पाई संवाद कथा जी माधुरी आम देखा संवाद में मलकानगिरी बन्या परिस्थिति एभली एक खबर आसूँ मलकानगिरी स्थिति जहाँ जे कहुच्छे कौट ना कौटी बन्या परिस्थिति उपजुच लगाण वर्षा लगातार भाव जो भाव होणु कौट ना कौट मलकानगिरी स्थित जदि बिगड़े लगी तेणु केते प्रस्तुत एठाकर प्रशासन ताकि आलोचना करवा तेज घटनावल डीएफओ क्वार्टर्स से जिलापा ये चर्चित खबर लगातार भाव विगत गोटे मस धरी जो खबर चर्चा था से खबर गोटेपर गोटे ट्विस्ट एपर्त आसूँ और जिलापा भूमिका को नहीं जो प्रश्न आसूला या खबर आसूँ जिलापा एंट्री आरी मध्य रही है तेज अंधारी इलाक विकास सूर्य ओंवा स्वप्न भवानीपाटना अर्थात कलाहांडी भवानीपाटनार चित्र सामना को आसूँ बाबद आलोचना करवा 30 वर्ष होगा पड़िया पड़ी नाली जमी ए खबर आसूँ अनुगुल आलोचना करवा रिपोर्टर जोड़ी हे तो माधुरी प्रथम खबर कौन रही बिल्कुल प्रथम खबर जमी आप कहे जो गुरुत्वपूर्ण खबर अफगानिस्तान में जो भयर वातावरण देखाई जहाँ को नहीं पूरा विश्ववासी आतंकित अच्छा विशेषकर जो मैंने भारतीय दूतावास मैंने रही कि फेरबे से नहीं केन्द्र सरकार पक्षर पदक्षेप निया कि सब भितर गोटे बड़ कथ आसूबे जिते तालिबान सरकार गठन करतेबान अफगानिस्तान कब्जा करने जोठार सरकार गठन करने को प्रस्तुति चलाई तो गोटे बड़ घोषणा कर महिला सामिल कर महिला सब दिगरे से सठिक दिग जो पारे से कम करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र होेत्र सब कम करेंगे और सदा सर्वदा प्रतिश्रुतिबद्ध बोली एक तालिबान कहे किंतु आम पूर्व देखी जे तालिबान किभली शासन थी और एवं जो क्रहणीय ए बाबद अधिक आलोचना करने आम सहित दिल्ली रिपोर्टर गगन विश्वाल जोड़े रही गगन आम पूर्व देखी जे तालिबान किभली शासन चलाई आउे जो कथा कहे महिला को सामान अधिकार दिज्व महिला मैंने जोठे चाहिए से कम करेंगे ये प्रकृत में गोटे आम कहीपर कि विश्व में निजर गोटे छवि बदल ये गोटे बड़ षड़ विश्वास जन्मवाक ये गोटे षड़ देखो माधुरी निश्चित भाव ये निजर परिस्थिति को चेंजेस करिया पाई कहीं सारा विश्व जानते तालिबान शासन कौन कहीं कथा कथा लोक एग्जांपल दिखती एटी कौन तालिबानी शासन चलती जदि तालिबान शासन भल था लोक मैंने प्रति कथा गोटे उक्ति उदाहरण हिसाब से व्यवहार करते ना तो निश्चित भाव से निजर छवि को विश्व दरबार में गोटे भल छवि दवा चेष्टा करे जो तालिबान स्पोक्स पर्सन रही जाबिहुल्ला मुजाहिदीन से गत काली एक प्रेस मीट रे सूचना देते जो सब जो दूतावास रही तार सिक्युरिटी आम मेसेज दवाई चाहू सब दूतावास रोसी क्षति करूँ ना या सहित तो महिला मान सुजोग दिज्व कि अन्य गोटे जो सांबादिक मैंने क्वेश्चन करते जे 90s रो तालिबान एवं वर्तमान तालिबान भितर कौन डिफरेन्स आसो से सीधा सड़क तार उत्तर रखी से कौन सी डिफरेन्स आसो ना कहीं आम आइडियोलोजी सेम रही विश्वास सेम रही जेहेतु आम मुस्लिम कम्युनिटी बिलंगस कर
सीधा सड़क एटी प्रतिपादित करुछी निश्चित भाव पुणी थे से ढंग से शासन करेंगे जोटा पूर्व करुले कि कौटना कौटी से विश्व दरबार को मेसेज देवाई चाहते कहीं जेहतु ह्यूमन राइट भायोलेशन कथा आस यूएनएससी मिलित जाति संघ या बैठक रही अगस्त 24 तारीख में सब जो कंट्री रही बर्तमान जो रही बिजनेस हब कहतु होटेल कथा कहतु अनेक कार्य व्यस्त रही नागरिक मैंने बर्तमान फेरी आने जेहतु बर्तमान प्रयास करते निश्चित भाव गोटे इकोनोमिक हांपर न हो आग को अफगानिस्तान जेहेतु से शासन को फेर तो निश्चित भाव से पूरा कब्जा करने चाहते तेणु विश्व दरबार को गोटे भल मेसेज देवा ये गोटे प्रयास हो पाए निश्चित भाव से जो भाई ढंग से देखिए से काबुल अधिग्रहण 24 घंटा भितर केते आतंकवादी जो मैंने जेल रखे सब मुक्त करदे तेनाली स्पष्ट हो निश्चित भाव से कहते गोटे कि करे आय गोटे अंपटे सीधा साल कहते जो मैंने भारत हूँ देश हूँ जो मैंने भी एटार इनभेस्ट कर आमे सुजोग देबुनी जे आमर माटी रे कई विदेश शक्ति आसिक निजर शक्ति प्रदर्शन करंतु बा आम को अन्य विरुद्ध रे कई नियोजित करिया पई काकि ना हुए त ये चाइना उद्देश्य रे ये मेसेज तांकर हे पारे निश्चित भाबे किंतु कोटना कोटी से माने जो मेसेज दउचोदी ता पछपट रे भिन्न उद्देश्य ता नियति गोटे भिन्न उद्देश्य थिबा कथा मते सामना करसो छी ये गोटे कोटा कोटी आमे कहि पारि पाछे सारा विश्ववासी को किभली धोका देउछि बा तालिबानी शासन कथा में पूर्व देखी छु आबे जो उक्ति बाढ़ुंट एवं जो कथ कौन महिला को समान अधिकार दिजिव जो मैंने भारतीय जो मैंने बाहर आसुच्च विदेशी दूतावास से कौन से आक्रमण करना ये कौटना कौटे गोटे विश्वासी को धोखा दि जाऊँगी से आड़क मुहाँचार बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रिपोर्टर आम सहित जोड़े नवेदा परवर्त खबर निहांति भाव में माधुरी आपड़ जमी कहते विशेषकर तालिबानी शासन माधुरी जिते कथा कहे आम इतिहास में पढ़ी आते आम राज्य जदि आईन श्रृंखला परिस्थिति भुशुड़ी पड़े से कहुए कौन तालिबानी शासन चली कहीं तालिबानी शासन एया जे कौन भाई भाव से विशृंखला सृष्टि आतंकराज सृष्टि ये हूँ तार नमूना जहाँ चित्र सामना को आसूँ अफगानिस्तान तेज परवर्त खबर आम माधुरी रखिंट पुणी 96 पिला संक्रमित ये चित्र सामना को आसूँ राज्य जितेबाला कर्णाटक केरल और महाराष्ट्र ये सब गोटे सब राज्य आपड़ देखिथे माधुरी जो चित्र सामना को आसे से चित्र को यदि अनुमान कराए पूर्व सरकार प्रस्तुत बारंबार कहते जदि थार्ड लहर आसूँ शिशु मैंने संक्रमित होती पूरा सरकार प्रस्तुत अच्छा यार मुकबिला करने यार तृतीय लहर आसु न आसु पिला विपद बढ़ी जदि थार्ड लहर आसी ना नहीं प्रकृत ओडिशा रे आरंभ होला कि ना तार कौन से स्पष्ट सूचना ना कि कौटिना कौटी थार्ड लहर न आसवा पूर्व वर्तमान जो भाई भाव पिला संक्रमित होती तेणु ये निहांती भाव में चिंताजनक आशेषकर आपड़ देखिए माधुरी कोरोना जो भली भावे कोरोना मृत्यु संख्या देखो कि संक्रमित संख्या देखो जदिव बर्तमान लॉकडाउन शटडाउन को कोहल करेतु जीवन जीविकार कथा कथ आसूँ तेणु या कोटना कोटि कोहल करूँ स्थित एवं पूरा स्वाभाविक एक कथा कहुए नपरे कहीं एबि तीन अंक चार अंक छुई संक्रमित यह दुई अंक को आसबार ना नौनी यार मध्य पिलार संक्रमित संख्या वृद्धि पाँच स्वप्नांजलि महांति आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ बाबद सहित आलोचना करवा स्वप्नांजलि आप देखुए पूर्व अनेक आशा आशंका कराला थार्ड लहर आने सरकार पूरा प्रस्तुत अच्छा एक कहला जो भाई भाव 96 पिला संक्रमित होती जो खबर धरित्री प्रकाश पाई विभिन्न खबर कागज में विभिन्न ढंग से खबर परेषण कर तेज स्थित जहाँ सरकार पूरा प्रस्तुत अच्छा तो मुकबिला देखते निवेदिता जो भाई भाव में राज्य में गोटे आशा आशंका थिला जे करोनार तृतीय लहर आसब कि नहीं करोनार तृतीय लहर कौ पीढ़ीर कौ वर्गर लोक मानक बेसी क्षति पहुँचाइब ताकू नहीं कि समस्त चिंता कल्पना जल्पनार थिले वर्तमान जदि देखा करोना संख्या बा करोनार जहाँ धीरे धीरे प्रभाव कमियार थिला वर्तमान पर्यंत ता तीन अंक चार अंक विशिष्ट संख्या रोचे वर्तमान जहाँ सूचना रही 996,153 जन वर्तमान करोना संक्रमित संख्या रही करोना संक्रमण जो प्रभाव धीरे धीरे कमुले विपद टी ना बोली राज्य सरकार पक्ष सूचना एवं समान भाव में लोक अवगत किंतु विशेष गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो करोनार तृतीय लहर आसूँ जहाँ आशा कराला जहाँ समस्त आशंका और नजर जो खबर टी रही से हूँ करोनार तृतीय लहर कौली भाव में जे शिशु मानक बेसी आक्रांत कर शिशु मैंने से बेसी क्षति पहुँचे स्पष्ट करतमान धीरे धीरे राज्य विभिन्न राज्य को करोनार तृतीय लहर आसूँ और राज्य सरकार मध्य एनेक प्रस्तुत बा पूर्व सूचना बा टिप्पणी देते जो भाई भाव में डीएमटी रो प्रोफेसर सीबीके महांती राज्य में 12% पाखापाखी
शिशु माने वर्तमान कोरोना रे चिन्हट हेलाणी एवं आक्रांतक संख्या धीरे धीरे मध्ये बढ़ुची तेणु कोटना कोटी समस्त वर्तमान चिंता रे अछंती जे कोभळी भाबरे शिशु मानकु ए रोगरु बंचै हेबो तेणु वर्तमान राज्य रे विभिन्न हॉस्पिटल रे शिशु सज्जे जो बेड विशिष्ट रहिछि ताकु मध्ये प्रस्तुत करा गेलाणी काहेकि ना शिशु माने आक्रांत हेले हुए तो तार परिवार अनेक एक रु एकाधिक लोक मध्ये आक्रांत होइ परंती ये गोटे बड़ विषय जेतेबेले आपण जानिथिबे वैक्सीनेशन को त्वरान्वित करागला कुआगला जे वैक्सीन ही मूल अस्त्र एवं जेउथिबे आपण मते जानिथिबे जो माने दुईटी डोज नैचोंती किछे मात्रा रे जदियो संक्रमित होउचोंती किंतु विपद सेतेटा नाही तेनु छोटो छुआ जो मानको कुआ जाउची जे थर्ड लहर बेसी प्रभाव पकाई परे जारो चित्र मते धीरे धीरे देखिबा आरंभ होई गलानी तेनु एने वैक्सीनेशन केमती कराजिबो ता प्रति मते सरकार यत्नबान हेबा दरकार रे प्रति मते दृष्टि देबा दरकार ओ केमती आको कंट्रोल कोनाजिबो काकिना छोटो छुआ कहिबार से माने सक्षम नथांती जदि एभली किछि स्थिति उपजे तेणु सांघातिक स्थिति हो पारे एवं मृत्यु मध्य न हो पारे या को एडा जाय न पारे बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रांजलि महांती आम रिपोर्टर आम सहित बाबद सविशेष आलोचना करते निहाती निवेदिता जो कथा कह जाता है संक्रमित संख्या बढ़ुची ए बाबद आम आलोचना करूल छोट पे संक्रमित होती परवर्त खबर जी देखा आम संवाद में जो खबर प्रकाश पाई मलकानगिरी में बना परिस्थिति आम देखीचु राज्य में लघुचाप प्रभाव में क्योंठे बना परिस्थित उपजी तो क्योंठे मरुड़ी परिस्थित देखा मिली कि मलकानगिरी दृश्य किसी भिन्न कहे जोठे कि बना परिस्थित उपजिला मात्र लगा वर्षा होती पांच दिन और पांचटी पोल बुड़ चित्र आसूँ मलकानगिरी विशेषकर मलकानगिरी जिले में बना परिस्थिति सृष्टि होइछे लगाण वर्षा जो बन्या जल पशि नदी नाल सब अस्वाभाविक भाव फुली जाइछे विभिन्न स्थान रे रास्ता घट पोल गुड़िक बुड़ जबारु अनेक अंचल को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछे तबे बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित विक्रम केशरी आम रिपोर्टर जोड़ी रहिछन्ते विक्रम लगाण वर्षा सेठारे जोगाजोग विच्छिन्न होइछे एवं भयंकर स्थिति आग को उपजे कहीं आग को दुई दिन धरे 48 घंटा धरी वर्षा हेबो बोली जे आकलन करा जाउछे प्रशासन पक्ष कौन सब प्रस्तुति करा जाइछे मतलब देखो गोटे कथा कहिबा जे गत काली 24 घंटा भितर 191 मिलीमीटर वर्षा होती मलकानगिरी जहाँफल मलकानगिरी जिलार स्थित संपूर्ण बेहाल होती पांचटी पोल जो कह करकुंडा तंबी 37 कांगुरुकोंडा पड़िया कन्याश्रम संपूर्ण भाव में जोगाजोग विच्छिन्न रही गत काली दिन तमाम रास्तार दुई पार्श्वर शताधिक गाड़ी अपेक्षा करते जेहेतु 326 नंबर जातीय राजपथ में पाखापाखि तीनोटी पोल बुड़ी था तो से जोजोग मलकानगिरी जिला संपूर्ण विच्छिन्न होता है जो गोटे कथा कह मलकानगिरी जिला को सदर महकुमा को कनेक्ट करूवा दुईट पोल जोटा कि कोरकुंडा और M37 दुईट पोल PWD विभाग पक्ष कार्य आरंभ कर दीर्घ पांच वर्ष होगा से ब्रिज काम आरंभ होते सुधा बर्तमान पर्यटन जिला प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप निगलानी जहाँफल जिलार अधा अंचल संपूर्ण भाव गत विच्छिन्न रही था ता सहित कह जातीय राजपथ 326 नंबर जातीय राजपथ में पाखापाखि चारोटी पोल बाह्य जगत विच्छिन्न रही था जोजोग संपूर्ण विच्छिन्न होता कि सब बड़ आश्वस्तिकर कथा कह केन्द्र सरकार पक्ष चलित बर्ष संसद में 187 कोटी टंकार बजेट अधिवेशन कर पांचटी पोल रही 326 नंबर जातीय राजपथ हाई लेवल पोल कर किंतु गोटे कथा रहुची दीर्घ 21 वर्ष शासन भितर राज्य सरकार एथिप्रति दृष्टि देलेनी किंतु एई जो जिनस रहुची काहे कि ना ए जो बहुत गुडा लो लेवल ब्रिज अछि जे कि स्वल्प वर्षा रे मात्र ब्रिज गुडी को फुली जाए ता सहित बाह्य जोतर बिछिन होइथाय किंतु एथिप्रति सरकार पूर्व दृष्टि देबा आवश्यक कि ना बहुत दिनर दाबी रहिची मलकानगिरी जिलावासीकर जे एई पोल गुडी को निर्माण करा जाउ किछि पोल वर्तमान सुधा जे कहिबा जिलावासीकर दाबी रहिची किंतु प्रशासन पक्षर एवं सरकार को पक्षर आगामी दिन रे कोन पदक्षेप निया जाउछि एवं लोकंकर दाबी सुनुछंती कि नाही सरकार से पापत्र समस्त नजर रहबो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम स्वयं रिपोर्टर हम सते जोडी रहतले निवेदिता परवर्ती खबर पर नजर पक यंती भाबरे परवर्ती खबर माधुरी जो खबर रहिची से खबर समस्त को जडाथिबो काई कि नाही खबर लगातार भाबे 35 दिन धरी अर्थात आज को 36 दिन घट पूरी गला एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटना किंतु एजाबत जना पड़ा ना जे सौम्यरंजन मृत्यु क्यों कारण होती कहीं भी अनेक सन्देह घनीभूत होती जहाँ बारंबार गणमाध्यम सामने सौम्यरंजन परिवार लोके बापा माँ अभियोग कर गोटे पर गोटे नुआ लोक एंट्री कहीं माधुरी आप जानते से क्वार्टर ही जो क्वार्टर में सौम्यरंजन मृत्यु होता जहाँ पूर्व पुलिस कहला गजपति पुलिस कही सारी क्लीन चिट दे सारी गजपति एसपी तेब कौटना कौटी एवं भी सन्देह रही वास्तविक सौम्यरंजन मृत्यु है
ଥିଲା କେମିତି ଆରି ମତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠାରେ ଥିଲେ ବଡ ଭୋଜି କରାଯାଉଥିଲା ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଓ ଆରି ମତରେ ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଜେରା କରାଯାଇଛି ଓ ଛଅ ଜଣ କିଏ ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ବୋଲି ଜେରାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜଗୁଆଳି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରା ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଯେତେ କ୍ଲିୟର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରୁଛି କୋଟି ନା କୋଟି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିଲେ ଯାହା ଫାଟକ ଜଗୁଆଳି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗ ବଦଳୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ସେ ଏକପକ୍ଷିଆ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଉପରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କ ଚାପ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଯାଉନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ହାତରେ କୌଣସି କ୍ଷୀୟ ଲାଗିନଥିଲା କି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେବା ପରଠାରୁ ତନତନ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଜେରା କରୁଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ପାଳାଖୁଣ୍ଟାରୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ନେଇଥିଲେ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ସରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯିଏ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଯିଏ ଜଗୁଥିଲେ ସେ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଛଅ ଜଣ କିଏ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ସହାୟକ ହେବ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଯିଏକି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରଥ ଏବଂ ଭାସ୍କର ରାଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୋମବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ସକାଳେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପାଠକର ଜଗୁଆଳି ତାକୁ ସହ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ରଷିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ସରିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ନିବେଦିତା ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଇଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ଭାର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ଗଜପତି ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଜଣାଇଥିଲେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିବେଦିତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ କୋଟି ନା କୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଅନେକ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖବର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଥାଏ ଆଉ ଆଜି ଏକ ଖବର ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସେ ଖବର ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ସର୍ମାଣ୍ଟି ଗାଁ ଅନ୍ଧାରି ଇଲାକାରେ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେଇଁବା ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ମାଣ୍ଟି ଗାଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଁର ଚିତ୍ର ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫଟୋ କ୍ୟାପସନ୍ ସହିତ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାବାଛି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯିଏ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ରହୁଛି ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 13 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଏବଂ 13 ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଥାମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି 15 ଉର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସର୍ମାଣ୍ଡି ଗାଁ କଥା ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଖାପାଖି 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିନି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି
पर्यंत से अंचलकु विकास पहुँची पारे एवं से शर्माण्डी गाँव रहा जदि आम कह शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन कौन सी प्रकार सुविधा भी आज पर्यंत से गाँव को पहुँची पारे ये जो शर्माण्डी अंचल कथा जदि कह कि थामुलरामपुर ब्लक कथा जदि कह जाऊँगी बर्तमान जो निर्वाचन मंडल कथा जदि कह लांजीगढ़ निर्वाचन मंडल आसूँ और विगत दिन में जो से अंचल आदिवासी मंत्री होते पूर्वतन विधायक किंवा पूर्वतन मंत्री जी बलभद्र माझी से अंचल निर्वाचित हो कि आदिवासी मंत्री होते किंतु आदिवासी अधिसूचित अंचल होकि आदिवासी मंत्री यही जिलूार प्रतिनिधित्व कलापर आज पर्यंत कलाहांडी जिलार जो आदिवासी अधिसूचित अंचल अच्छी से अंचल मानक आज पर्यंत भी ठीक भाव में कौन भाव में विकास हो पारिना ये गला प्रथम कथ द्वितीय कथा है जो केवल थामुलरामपुर ब्लक कहीं जब देखा जो कलाहांडी जिलार मदनपुर रामपुर अच्छी थामुलरामपुर अच्छी विभिन्न जो ब्लक अच्छी आज भी आदिवासी अधिसूचित अंचल मान अच्छी जहाँकि आज पर्यंत ठीक भाव में विकास पहुँची पारे जमीक ये हूँ गोटे हूँ उदाहरण भाव में आम नहीं पार जो शर्माण्डी गाँव कहीं आप देखते शिक्षा ना स्वास्थ्य ना कि योजना किभली कार्य करूँ स्पष्ट हो जोठारे गाँव में यह गाँव में शिक्षा व्यवस्था ना स्वास्थ्य ना अंगनवाड़ी ना जावास लोक अनेक दूर जावाक पड़ू जो कि पखापाखि पचास टी पर सेठे बसवास करु सरकार जो योजना करापी प्रश्न आसुच्छे बहुत बहुत धन्यवाद कलाहांडीर आम रिपोर्टर जशवंत धांगड़ा बाछी सहित जोड़े रही है परवर्त खबर भाव में माधुरी परवर्त खबर एक चिंताजनक कथ जितेबाला राज्य सरकार कहते चाषी कले उन्नति सकल उन्नति आषी कालियानेक योजना करा जाउछि बलराम योजना कथा आपण निकट रे मध्ये जानिथिबे चासी को अकाउंट को टंका जाउछि चासी केमते उन्नति हेबो चासरी केमते उन्नति हेबो चासी केमते लाभवान हेबो जोति पाई सरकार सब बले चिंतित ए कथा बारंबार डिंडिम पेटंती किंतु एमिति चित्र सामना कसुछि अनुकूल लु जे वर्षे नहे दुई वर्ष नहे तीस वर्ष होला पड़िया पड़ी नाली जमी एठारे जो भली भाव चाषी माने अपेक्षा कर रही थे जी धान चाष करेंगे किंतु चाषवास बंद रही पुणी वर्षे दुई वर्ष नुहे दीर्घ तीस वर्ष होला बिल को हल जाए ना गाँ नाली जमी पड़िया एबेबी पड़िया पड़ी लोक मैंने चाष करेंगे बोली अनुगुल जिला तालचेर ब्लक डोरा गाँव पंचषठी एक चाष जमी को एमसीएल अधिग्रहण नक छाड़ी किंतु कौन असुविधा रहा कहीं तीस वर्ष होगा पड़िया पड़ी कहीं चाष हो पार नहीं बाबद आम खबर नवा आम प्रतिनिधि तपन दास जोड़ अनुगुल तपन वर्षे नुहे दुई वर्ष नुहे दीर्घ तीस वर्ष होगा पड़िया पड़ी कहीं चाष हो पार नहीं असुविधा के तपन निश्चित पक्षे देखु यो रिपोर्ट प्रकाश पाई या निश्चित पक्षे जदि आम देखा अनुधान करवा एक चिंताजनक प्रसंग कहले अत्युक्त होबना स्थानीय अंचल जो लोक मैंने रही अभोग है पखापाखि तीस वर्ष होगा चाष कर जो प्रमुख कारण गुड़िक दर्शाई आप जानते तालचेर अंचल एमसीएल कोईला खणि रही एमसीएल कोईला खणि पखापाखि वर्तमान पखापाखि नौ रु दस टी कोईला खणि कार्यक्षम रही एभली स्थित स्थानीय अंचलवासी जो मैंने रही विस्थापित हमें अनेकांश एमसीएल के तार जो जी जगह दरकार से निश्चित भाव अधिग्रहण करे किंतु जेहेतु संपुक्त अंचल कोईला खणि रही भूतल कोईला रही तेणु पखापाखि अंचल से तार जो डंप यार्ड गुड़िक करते ये जो अनेक जगार जो डंप यार्ड सृष्टि से चाष एमने जो स्थानीय लोक मैंने रही जो डरा ग्रामवासी मैंने रही करना बोली जहाँ से अभोग करा घटनार सत्यसत्य रही तेज जो अधिकारी माने रही स्थानीय अधिकारी माने रही जिते बड़े स्थानीय अधिवासी माने अभियोग कर तेबे से मानकर अधिकारी मान गोटे गुरुत्वपूर्ण दायित्व रहिला से मानकु जो लोक माने रही केवल सुविधा से मानकर निज चाष जमी में चाष करें अनेक समय एमसीएल पक्षर जिते जमी अधिग्रहण कराए अनेक लोक बासच्युत हूँ कंपनसेसन मिले केतक लोक चाकरी मिले केतक लोक अन्य पंथा आकार जोगे किंतु जो मैंने चाष उपर सीधा सड़क निर्भरशील रही संपुक्त अंचल से चाष न करें ये वर्षे कि दुई वर्ष नुए कंटिन्यू गोटे प्रोसेस से चाष कर गोटे अभियोग करेणु यो समस्या समाधान करने को हेले उभय एमसीएल और स्थानीय जिला प्रशासन मिलित उद्यम आवश्यकता रही मिलित उद्यम कलापर ही जो लोक मैंने जो मैंने चाष कर पुनः चाष
ହେବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଗଦା ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ଏମ୍ସେଲ୍, ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଟ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୋଇଲା ଯେଉଁ ଗଦା ହୋଇକି ରହେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ରୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁହାରି ହୋଇଛି ତାକୁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଦିଗର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ବାବଦରେ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି, କାହିଁକି ନା ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି, କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଛି କି, କାହିଁକି ନା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି ଏଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ସିଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଢେର ଲମ୍ବା, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ବାସଚ୍ୟୁତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଘେରାଉ କରନ୍ତି, ଦାବି କରନ୍ତି, ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଅନେକାଂଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସଚ୍ୟୁତ ବା ପ୍ରଜା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଲଚେର ସବ୍କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ଅଦ୍ୟାବଧି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତପନ ଦାସ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମାଧୁରୀ, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ, ତେବେ ୟା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯେମିତି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ରଖିଥାଉ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜଣେ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଖବର କ'ଣ ଥାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେଜ ସକାଳର ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 993 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 419, କଟକରୁ 95 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ପୁଣି 65 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7,086 ଛୁଇଁଲା। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଏପିଏସ୍ ଡିଲର ନେବେ ଟ୍ରେନିଂ, ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହି ତାଲିବାନର 26 ଉତାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ସମୀର ସରକାରରେ ଆବାସ ଚଳୁ, ମାନିଲେ ଭାଗ ନ ମାନିଲେ ମାଡ଼, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଫି, ଚୌକ ବିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ମିଶି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ମେଲାଉଛନ୍ତି ନିଶା ବେପାରୀ, ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜପୁର ବସ୍ତିରୁ 1.5 କେଜିର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ, ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ, ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 କୋଟି ଆଉ 2 ଗ୍ରାମ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଖାକିର ଧମକ ଦେଖାଇ ମଗାଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ, ବିବାଦରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ହଜମ ନ କରିପାରି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 4 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ହଡପ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ଆଙ୍କପୁରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ
माधुरी आम हेडलैंस देखुले आज आम सहित जन अतिथि अच्छा आम सतीश सकाल को आहरी सतीश करेंगे तुम्हारे गीत शुणा आज अतिथि जी अच्छा माधुरी आपको अनुरोध करेंगे आज अतिथि किए अच्छा आप इंट्रोड्यूस करा बिल्कुल आज अतिथि अच्छा जमीक आप सारे पूर्व जो गीत शुणा मैंने अभीयसली कंठशिल्पी आज आम सहित जोड़े हे तो आज कंठशिल्पी आज जो अतिथि रही कंठशिल्पी राजेश दास निशारे से गीत गाते आउ गीत गाउ गाउ संगीत जीवन में पेशा पलटिगला संगीत बिना अणनिश्वास लगे आबे से अनुभव कले से ही संगीत को पाथेय करले आजर बचार गोटे राह पाईगले एक कहते गाँ कीर्तन मंडली प्रथम शिक्षा केन्द्र था कौटना कौटी समस्त शिक्षा केन्द्र आम देखी अनेक जगह था कि ये हूँ भिन्न से बाबद में आलोचना करवा कटक दीर्घ दिन धरी स्टेज शो करते रियलिटी शो रे भाग नेपर चलचित्र गायबार सुजोग पाइले ये गोटे बड़ अपर्चुनिटी कहींपर जितेबाला गाँ कीर्तन मंडली आसी आते चलचित्र गायबार सुजोग पाई आज से भाई जो अतिथि आम सहित जोड़े रही राजेश दास आम सहित रही राजेश आपन को स्वागत करुच्छू आम सतेज सकाल को आशा करुच्छे आप सुस्था थे नमस्कार प्रथम धन्यवाद देवी अर्गस न्यूज को तो मत सुजोग बहुत बहुत धन्यवाद आमे मध्ये राजेश बहुत खुशी जे आपण आज आम सतीश सकाल अतिथि आज आपणक आम अनेक गीत शुणा आप पूरा प्रस्तुत हो जातु जे आज आम दर्शक केवल आप गीत ही शुणे कार्यक्रम आरंभ करवा आपण मुहर एक गीत भजन रु आरंभ करी मोर जोटा कि प्रथम भजन थिला भजन आरंभ करी पपर बाट मु चली केते पपर बाट मु चली केते जी केते मु मरी केते जी केते मु मरी केते गोटे छोट आरंभ करी भजन रु तापर भी आउ गोटे सीटा भजन थिला खूब सुंदर भजन थिला म्यूजिक जोड़ा दे कि मोर बड़ भाई विष्णुमोहन कवि भाई ये गीत को म्यूजिक दे जोटा कि खूब सुंदर भजन टा भी मोर मन पड़ून एक्चुअली ओके राजेश माने आपण समस्त उठारो भिन्न काहेकि ना आम देखीचु जो मानकर गीत गायबार इच्छा थाए से माने जानती गुरुंको ठारो गीत शिक्षा लाभ करथांते जितबे तांकर इच्छा थाए किबा परिवार के तांको शिक्षा देथांते किंतु आपणको क्षेत्र रे पूरा भिन्न संकीर्तन मंडली का संकीर्तन मंडली रे आपण सेठारे गीत गाउथले परवर्ती समय रे कटक रे स्टेज शो मध्य कले चलचित्र रे मध्य गीत गायबार आपणकर मध्य आपणकर अभिज्ञता अछि तबे केमति थिला सफर गाँ संकीर्तन मंडली रु आप चलचित्र जगत में गीत गाइले हाँ सेटा मोर गोटे प्रथम पहाच कह मोर अभुला स्मृति सेटा प्रथम करी गाँव रे भजन कीर्तन मंडल मु जाए गीत बसिक गाए तापर स्कूल रु आरंभ कली स्कूल भी गाँ स्कूल भी पढ़ुली से आमर मान कौन कि एते फैसिलिटी किसी नथिला जहाँफल कि मु गाँव में गाउथली तापर टाउन को आसली टाउन को आसला से कंपिटिशन भाग ने भाग नहीं सारापर प्रथम है प्रथम पर से मोर आरंभ होला जर्नी मैट्रिक पर बालेश्वर मुझे घर टा मोर बालेश्वर बालेश्वर मु आरंभ कली ऑर्केस्ट्रा मेलोडी रे गाइबापी तापर कटक गली कटक रे गोटे स्टेज शो करी चार छः वर्ष कि सात वर्ष करने रियलिटी शो रे भाग ने जोटा कि सेकेंड विनर होती स्वर ओडिशा गोटे रियलिटी शो चल था 2013 से मो जर्नी आरंभ होला तापर आ गोटे रियलिटी शो चल था सिंगिंग चंपियन से भी मुझे भाग नहीं कि से भल पाइली से बहुत कि शिखापी पाई सर से आरंभ कली मोर प्रथम आलबम थिला
ସେଠୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାଗ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ଆଲବମ୍ ଥିଲା ଓରେ ହୃଦୟ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜେଶ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ଓରେ ହୃଦୟ ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣିବୁ କଥା ଆମେ କମ୍ ହେବା ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗଟି ଆଜ୍ଞା ଓ ରେ ହୃଦୟ ଓ ରେ ହୃଦୟ ଓ ରେ ହୃଦୟ ଓ ରେ ହୃଦୟ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥୟ ଧୀର ଓ ରେ ହୃଦୟ ଓ ରେ ହୃଦୟ ଓ ରେ ହୃଦୟ ସତରେ ରାଜେଶ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଜଲ୍ବା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଗାଁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ିର ପଲି ପାହାଚ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ସିଏ ମଜା କିଛି ନିଆରା ହଁ ସିଏ ଭଜନ ଯେଉଁଟାକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏଇଭଳିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଥାଏ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି କି ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୀତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଫଲୋଅପ୍ କରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେ ଗୀତଟି ବିଶ୍ୱାବ ଶୁକୁଳେ ଜନ୍ମ ମୋର ବୋଲାଏ ଦୈତାପତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଛାଡ଼ିବେ ଶରୀର ଫାଟି ଯାଉଅଛି ଛାତି ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଦାରୁ ଖୋଜି ମୁହିଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଦାରୁ ଖୋଜି ମୁହିଁ ଦାରୁ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣ ଧାସି ବି ସମୁଦ୍ରେ ଯାଇ ଦାରୁ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣ ଧାସି ବି ସମୁଦ୍ରେ ଯାଇ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଦାରୁ ଖୋଜି ମୁହିଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଦାରୁ ଖୋଜି ମୁହିଁ ଅତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମାଧୁରୀ ନିମାଇ ଚଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପପୁଲାର ଏ ଗୀତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗାଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାଜେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ଗୀତକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୀତ ରାଜେଶଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବେଶ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏକଦମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ପୁରା ସିମିଲାର ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଏ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ତେବେ ମାଧୁରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ମୁଁ ତ ଭଜନରେ ଏଇ ନିମାଇ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଗୀତ ଫଲୋଅପ୍ କରେ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ସୁଫି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଓରେ ହୃଦୟ ଗୀତରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଚାନ୍ସ ବି ପାଇଥିଲି ମୋର ଫିଲ୍ମ ବି ଥିଲା ରାମ ନାମ ସତେ ଓକେ ରାଜେଶ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଅନେକ ମେଲୋଡି କଥା କୁହାଯାଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କଥା କୁହାଯାଉ ଏସବୁରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଅଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣ ପାଦ ଥାପି ସାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଅଲିଉଡ଼ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ୱିନର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର ଯଦିଓ ନହୋଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ପଛ କରାଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏ ଅଲିଉଡ଼ରୁ ପଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସ୍ପେସିକାଲି ମୋର ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ପେସିକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁକି ମୁଁ
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ମାଟି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତ କରୋନା ପାଇଁକି ତ ମୁଁ ଏବେକା ଗାଁରେ ଅଛି କଟକରୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁକି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରାଜେଶ ଆପଣ ଢେର ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସତ୍ୟ ସକାଳର ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପରିଚିତ କରାଇସାରିଛୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିସାରିଲେଣି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାସ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ରାଜେଶ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାଧୁରୀ ବି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କୁହାଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି କଳାର ମାଟି ଆପଣ ମାଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ରାଜେଶ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି କଳାର ମାଟି ଆଉ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆଗ ଧାଡ଼ିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ତ ସାଉଁଟିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଅଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର କଳାର ମାଟି ସିଓର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା କଳାର ମାଟି ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ହେଉଛୁ ରଜା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଯାହା ଘର କେଉଁଠି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ରଜା ଛୁଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଦିଲସେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁ ତାପରେ ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଗଲୁ କି ସେପଟେ ଗଲୁ ଆରେ କେଉଁଠୁ ଭାଇ ତମ ଘରଟା କେଉଁଠି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଟା ବି ଗର୍ବ କରୁ ଯେ ଆମେ ଗର୍ବରେ କହୁ ଓଡ଼ିଆ ସେପଟେ ବି ସାଇଡ୍ରେ ବି ଚମକିଛି ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ଆମେ ଗର୍ବରେ କହୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ବୋଲି ଆମେ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ କରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବି ଆମେ ସେତିକି ଗର୍ବିତ କରୁ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁ ସିଓର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ସେଇ ସୁଫି ଅନ୍ଦାଜର ଗୀତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ଜିତୁ ରାଉ ସାର୍ ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ଗୀତ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁହି ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ ଉଜାଲା ଉଜାଲା କେବେ କେବେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଜୀବନର ବହପକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନିଆ ରହିଲା ନାହିଁ ରେ ସୁନାର ଲଙ୍କା ବାଳିର ମହାପ୍ରତାପ କାହିଁକି କରୁଛୁ ମିଛ ଅଭିମାନ କରିବୁ ଦିନେ ବିଳାପ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନି ଗାର ଡେଉଁ ଡେଉଁ ଜୀବନଟା ସରିଯାଏ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ରାଜେଶ ଗୀତ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ରିହାଜ କରନ୍ତି ମୁଁ ରିହାଜ ମାନେ କି ସକାଳେ ଉଠୁଛି ଗୀତଟେ ଶୁଣିବି ଶୁଣିବା ସହିତ ମୋର ଘରେ ବି ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛି ରଖିକି ମୁଁ ତା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ସକାଳେ କରେ ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ଟାଇମ୍ ନ ଆସେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ରୁ 8:00 ଭିତରେ ମୁଁ ରିହାଜ
ओके निहांति भाव में कहीं जमी आम जानते जे निशा थी आपणकर गीत गायबा पेशा हो गला गीत गायबा आती संगीत में जो आगे जावाक हुए से साधना करने को पड़े कहीं से कला भगवान समस्त को दे न था संगीत जादू समस्त को भगवान दे न था तेज राजेश पर किए किए अच्छा जदि आप प्रथम कही सारी बापा माँ का आशीर्वाद जो आप आज एत बड़ सफलता पाई आगक आगक चढ़ुं आग आगक आगक सीढ़ी चढ़ुं कि परिवार सपोर्ट केमते मिला परिवार के के अच्छा परिवार रे हमरो फैमिली कय गले आमे तीनि भाई बाबा मां जजमा अच्छा ओके बड़ भाई भी मैरिज मझिया भाई भी मैरिज आ मु निजे भी मैरिज कर जाय छी गोटे वर्ष हो आमे एई फैमिली भितरे एतिक आमर फैमिली फैमिली भितर मु बालेश्वर रहुचि भाई भी बड़ भाई भी बालेश्वर मझिया भाई बारिपदार रहुचंती बाबा माँ घरे समस्ते जेजेमा भी अच्छंती स्पेसिकली मते ए गीत रे मते बहुत भल पांती जो मो बेसी मु मो बापा को भल पाए खास करी तो सानो पु माने तो गेला होइतिबे बहुत तो आज्ञा श्योर सियाली मते मो बापा ही बहुत भल पांती आ मु भी बापा को बहुत भल पाए ओके समस्त को भल पाए बट बेसी दी बापा को भल पाए राजेश आ गुटे कथा मते जानबा को चाहबो जेंति आपन कोथिले निशा थिला गीत गाइबा बे पेशा हे कलाणी एबे पाठ पढा कंटिन्यू अछि ना गुटे जॉब करछो ना केवल ए संगीत लाइन रे जाउछो ते आगो को इच्छा कोन अछि आपन नै नै एई संगीत रे ही किछि जॉब नै तो माने कोरोना पई हमरो सब किसी छड़े नहीं कोरोना पाई कि गीत को मुझे जेहेतु पेशा कर दे मो करियर आरंभ कर इनकम ओके निहांती भाव आम भगवान निकट प्रार्थना करवा जेहेतु केवल संगीत जगत नुहे पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड सबकि वर्तमान सबकि समस्ते जो क्षति वर्तमान सौंती समस्ते विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती आम आशा करवा भगवान निकट प्रार्थना ये महामारी खूब शीघ्र चली जाऊ स्थित पूर्व भाई पूरापूरी स्वाभाविक हो आप जमी कहते जेहतु आपंकर पेशा संगीत आम भी आशा करूँ जो आप ढेर आगे जातु और आप करूँ तेज आप जमी कहते 2013 राजेश सोरो ओडिशा सिंगिंग चैंपियन एक रियलिटी शो रे आप पार्टिसिपेट करते से समय एक्सपीरियंस केमती थी और क्यों संगीत आपन को गोटे भल परिचय दे सोरो ओडिशा जो आरंभ करी यू बालेश्वर ही ऑडिशन मुझी बालेश्वर जोटा कि जो गीत रू गली फाइनल को गली से गीतटी मुझे आरंभ करी तापर मझे भी गोटे गीत भी अच्छे दुईटा गीत अच्छी से दुईटा गीत पाई मु बहुत सारा भल पाए सहित आशीर्वाद समस्त पाई ओके से दुईटे गीत से दुईटे गीत भीतर आज्ञा आपण को पसंद रो गोटे गीत गांतु श्योर गोटे गीत थिला कैलाश खार गोटे गीत मुझे एक्चुअली सूफी गीत को फॉलोअप करे सूफी अंदाज गीत को से गीत रु आरंभ करी करी देलु अधा बाटरे पाद खसी जाए चोरा बाली रे बही चली जाए समय नई पारी हबा पाई नौका नाई एका करी देलु अधा बाटरे पाद खसी जाए चोरा बाली रे बही चली जाए समय नई पारी हबा पाई नौका नाई ए पारी रे रही हुए ना से पारी
हुए ना मनर कथा मनरे मरे मनर कथा मनरे मरे कही हुए ना सही हुए ना 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 रे जीवन ना 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 दाऊ साधे ना दाऊ साधे ना। बहुत ही सुंदर थिला राजेश, वास्तविक आपणक कंठरे सूफी सॉन्ग मध्ये बेस शूट करूचे पो ए गीतटी मध्ये बेस सुंदर थिला। दाऊ साधना ए गीत मध्ये बेस पॉपुलैरिटी हासिल करथला गीत आमे मध्ये सुनि चंती। तबे राजेश, से तो स्वल्प समय आमको कार्यक्रम को वाइंड अप करबा को पड़िबो, काहेकि ना आमे अध घंटार प्रोग्राम एवं आपण ढेर सारा गीत आमे शुणी सारलन। आपण जेमती कहते सूफी सॉन्ग आपको बेस पसंद थाए, जो आपण जेमती आपण कहते आप निबाइचरण को फॉलो करती, गीत गाती और गीत आमको सुनाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आप सतीज सकाल अतिथि आम सहित जोड़े आम सका को आहरी सतीज कला और ये सुंदर सुंदर गीत स्पेशल आमको शुणाइले। तेरे शेष गीत आपण को मोर शुणा को चाहबू राजेश, आ गीत सहित ही आम कार्यक्रम को सारू जे आप विभिन्न भेरटर गीत शुणाइले, कि आलबम गीत शुणा को चाहबू, आधुनिक गीत शुणा चाहबू, कहीं आजिकल जुवपीढ़ी विशेषकर आधुनिक सॉन्ग को ही पसंद कर। हाँ, ओब्वियसली से सार्थक मोर सॉरी सार्थक स्वर ओडिशार से गीतटी तो खूब सुंदर गीत ये मोर ए बहुत किसी भल पाया मत मिली जण को जेबे मु करिली निजर मते दुनिया करी देला पर प्रथम प्रेम र प्रथम चिट्ठी लेखुचि अळ प भाबुचि बेसी नुआ चढ़ेर कल डेणा नुआ चढ़ेर कल डेणा उड़ुचि अळ प पड़ुचि बेसी उड़ुचि अळ प पड़ुचि बेसी इतला गोटे मोर प्रथम प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी सार्थक स्वर ओडिशार गीत ये बहुत सारा भल पाए।